यशोमती मैया के नंदलाला। सच्ची श्री हरि, सच्ची मैं प्रसन्न हूँ। मैं ये आपके आशीर्वाद से रोहिणी चिची को इतना प्यारा लल्ला हुआ है, पर मुझसे क्या त्रुटि हुई ना रहा है? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई ना रहा है? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? अब तो माता देवकी की सातवें संतान का भी जन्म हो गया है प्रभु। अब आपके अवतार लेने में किस बात की देर है? यशोदा, ले ओ, तुम यहाँ आओ और मैं पूरे घर में ढूंढ तो फिर रहा हूँ। पता चलो तुमने सुबह से कछु ना खायो। चलो कछु खा लो, आ जाओ। कहीं ना जा रही मैं। क्या होगा? हरि को बांध के बैठी हूँ। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर ना देंगे, ना कहीं जाऊंगी ना कछु खाऊंगी। कौन से प्रश्न और कैसे उत्तर? गोकुल की प्रत्येक स्त्री को ममता का वरदान दियो है आपने, तो नारायण मुझसे ऐसा कौन सा अपराध होगा कि आपने मुझे अभी तक इस सुख से वंचित रखो है? आज बोलना पड़ेगा प्रभु, बताना पड़ेगा कि आपने मुझे लल्ला क्यों न दी। क्या आपको पता ना है, जैसे भगवान अपने भक्तों के बिना अधूरे होते, वैसे मैया भी संतान के बिना अधूरी होते। प्रभु, मैया यशोदा उसी वेदना का अनुभव कर रही है जिसका अनुभव उन्होंने पिछले जन्म में माता धारा के रूप में किया था। आपका कथन सत्य है देवी। अब मैया यशोदा को उनके कष्ट से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। उठो पूर्णा, शीघ्र ही यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म होगा। नक्षत्रों की गति से उत्पन्न संकेतों को देखो। देखो विशेष कार्य के लिए इनका चुनाव। ये देवी कौन है प्रभु? ये मेरे भविष्य में होने वाले गुरु महर्षि संदीपनी की माता हैं देवी। अपने ज्ञान के कारण गोकुल वासियों की श्रद्धेय हैं। यदि मेरे आगमन की सूचना मैया यशोदा को ये देंगी तो ही मैया विश्वास करेंगी।
जिसे सुलाऊं जो मुझे जगाए प्रभु दे दो ना वरदान साचा सुमीरन मुख पे ना मेरे जब तक ममता की मुस्कान खिले सुधा, मैं तुम्हारी व्यथा समझ रहा हूं, पर खाना छोड़ना अच्छी बात ना है। श्रीहरि तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे, भरोसा रखो। लो कुछ खा लो। भगवान से हट करना सही बात ना ही है सुधा। भूखे प्यासे रहे प्राण देने हैं क्या? यशोदा, होने वाली मैया को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना खा, बहुत जग देखती मती रहे, विश्वास कर। नक्षत्रों की गति देखी है मैंने। पूर्णा मौसी, क्या सच्ची? आप सच्ची कह रही हो ना? भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य सिंह राशि का होगा और चंद्र वृषभ राशि का, तब मध्य रात्रि तेरे लल्ला का जन्म होगा। बरसों में कभी किसी ऋषि मुनि किसी ज्ञानी ने हमें ऐसी आसाना दी। आज पहली बार हमें इतना स्पष्ट आश्वासन मिलो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूर्णा मौसी, बहुत बहुत धन्यवाद। ना मौसी को धन्यवाद ना देते लाली, मौसी से आशीर्वाद लेते हैं। ला लड्डू ला। अब तुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करनी है। मैं मैया बनने वाली हूँ, सुना आपने? मैं मैया बनने वाली हूँ, आप बाबा बनने वाले हैं। श्री हरि ने कृपा कर दी हम पर, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए नारायण ने। चलो अब शीघ्रता से भोजन कर लो। मैं जा रही हूँ रोहिणी चीची को बताने। अरे पर भोजन, पूर्णा मौसी जो कह देती है वो होके रहता है। Thank you.
अरे आ, 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 अरे मैं मैया बनने वाली हूँ, लल्लाओं को मारेगा। क्या पूरे मौसी ने बताई सच? अब अपने अंश का निर्माण करने का समय आ गया है। किसके पुत्र हो? आपका। आपकी गोद में शीघ्र ही खेलने के लिए मैं आतुर हूं मैया। अच्छा विचित्र लग रहा है, कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। स्वप्न देखो, क्या वो स्वप्न वन में था? क्या मैं सत्य में श्रीमान नारायण की मैया बनने वाली हूँ? यशोदा ने स्वप्न में जो देखा था सांसारिक माया के कारण वो उस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। मुझे भरोसा ना हो रहा है, ये तो संभव ही ना है। मैं श्रीमान नारायण की मैया कैसे बन सकती हूँ? परंतु स्वप्न इतना सच्चा, इतना वास्तविक था यशोदा, ऐसा लगो जैसे स्वप्न ना है, सच की परछाई। आप मेरा उपहास कर रहे हो ना? अरे कल तक तो ये भी ना पता था कि मैं कभी मैया भी बन पाऊंगी कि ना, और आज आप कह रहे हो कि
श्रीमन नारायण स्वयं मेरी कोख से जन्म लेंगे। ना ना, ऐसे उल्टे सीधे विचार मेरे मन में मत ही डालो आप। मैं तो साधारण सी स्त्री हूँ जो बस एक सामान्य सी मैया बनना चाहती है। मुझे तो बस एक सामान्य सा लल्ला चाहिए, छोटा नटखट प्यारा सा मेरा बाल गोपाल। मेरा लाडला होगा वो, मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा। मैया यशोदा और बाबा नंद का वात्सल्य प्रेम इतना अधिक था कि उनका मन इस अद्भुत घटना पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। जिस स्वप्न को सत्य समझना था उसे मिथ्या मानकर भुला दिया उन्होंने, किंतु श्रीमन नारायण को आना ही था। स्वप्न साकार करने वाले को ही तो भगवान कहते हैं। माता देवकी आपको जन्म देने वाली है, इसलिए उनके गर्भ में आपके अंश का समा जाना सर्वथा उचित ही है। किंतु मैया यशोदा के हृदय में आपने अपने अंश का एक भाग स्थापित किया है, इसका अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। मेरे अंश के ये दोनों भाग तन और आत्मा है देवी। माता देवकी मेरे तन को जन्म देंगी, किंतु मेरी आत्मा का जन्म मैया यशोदा के हृदय से होगा। जब मैया प्रथम बार मुझे अपने हाथों में थामेंगी, मेरे अवतार की आत्मा और तन एक दूसरे से जा मिलेंगे और तभी मेरा अवतार पूर्ण होगा। मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे, इसीलिए समस्त संसार में हम दोनों की जोड़ी एक माता पुत्र की अद्भुत जोड़ी के रूप में जानी जाएगी।